हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं इस समय वडोदरा के आसपास। एक छोटी सी ओवर नाइट कैंपिंग के लिए मैं निकला हूं और कैंपिंग मैं अपने फैमिली के साथ कर रहा हूं। आप देख सकते हैं, इस बार मैं एक फोर व्हीलर से व्लॉग कर रहा हूं, मतलब मैं फोर व्हीलर के साथ ट्रैवल कर रहा हूं। बहुत दिनों के बाद मेरे चैनल पर आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा। और आइडिया यह है कि ये कैंपिंग एक ओवर नाइट स्टे होने वाली है। जांबूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ द प्लेस जहां हम लोग जा रहे हैं और बताते हैं कि वहां पे थोड़े बहुत वाइल्ड एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, बट आई एम नॉट टू श्योर कितने और कितने प्रकार के एनिमल्स वहां पे आपको मिलते हैं। जाके वहां जाके थोड़ा और डिटेल में पता चलेगा। बट अभी जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ वो काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे एक छोटी सी लेक है। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, बट पता करने की कोशिश करता हूँ ये लेक का नाम क्या है, ये जगह क्या है। मुझे पहाड़ों पे एक, जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं उसके पीछे एक थोड़ा सा टेंपल दिखाई दे रहा है। अब वो टेंपल भी कौन सा है उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। लेट्स सी वो कौन सी जगह है। बट ये एक जगह मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अगर कभी बाइक से आया या फिर ओवरनाइट कैंपिंग का मन किया तो आई थिंक दिस इज़ ए गुड लोकेशन जहाँ पर एक ओवरनाइट कैंपिंग की जा सकती है, मज़ा आएगा। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैं इस बार ट्रैवल कर रहा हूँ किया सोनेट से और ये जर्नी मेरी मुंबई से स्टार्ट हुई थी फॉर बड़ोदरा। मैं एक दिवाली वेकेशन के लिए आया हूँ, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोगों ने दिवाली काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करी होगी। एंड लेट्स कंटिन्यू द जर्नी और चलते हैं आपको उस लोकेशन पे लेके जहाँ पे आज हम ओवरनाइट कैंपिंग करने वाले हैं। Times like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things. तो इस तरीके का यहाँ पे सेटअप है, ऑलमोस्ट 6+2, तो टोटल 8 टेंट का यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। तो दीज आर द टेंट। चलिए आपको थोड़ा सा इसको अंदर से एक व्यू दिखाता हूँ कि कैसा है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ठीक ठाक है, बढ़िया है। मतलब थोड़ा सा आपको काफ़ी ज़्यादा फंगस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बेड आपको केवल दो ही मिलेंगे अगर आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। अगर आपके साथ एक बच्चा या दो बच्चे भी हैं तो यहाँ थोड़ा सा एकोमोडेट करना मुश्किल जाएगा, बिकॉज़ जो बेड हैं दो को कंबाइंड करके डबल बेड बनाया गया है, और जो मैट्रेस भी आप देख रहे हैं इट्स नॉट फिट फॉर 3 पीपल। 3 लोग नहीं सो सकते। अगर आप चाहें बच्चे को भी सुलाना तो भी थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। अब चलते हैं पीछे साइड जहाँ टॉयलेट है, जो एक सेपरेट कंपार्टमेंट है ऑल टुगेदर। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। आई थिंक लाइट वाइट का भी कुछ पता नहीं, क्लीन तो दिख रहा है। पानी और लाइट का क्या सिस्टम है, शायद अंदर से ही लाइट का होगा आई थिंक। लेट्स सी, यहाँ पे स्विच तो नहीं दिख रहा है बट आई एम श्योर लाइट का कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो होगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और पीछे पूरा डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको शेर, हाथी, चीता और भालू कुछ नहीं मिलेगा, केवल जानवरों के नाम पे। दो पाँव के भी तो जानवर है ना, ये जो खड़े हुए हैं यही देखने को मिलेंगे। रात में आई थिंक थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा, बट देन नॉट श्योर। तो ये जो कैंपिंग के एरिया है इसको थोड़ा सा कवर्ड किया है, अगर आप देख सकें तो काफ़ी फेंसिंग की है। बताते हैं कि रात में यहाँ पे हाइनाज वगैरह आ जाते हैं। सो दिस इज़ दैट जांबूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, शेर, चीता ये सब तो नहीं मिलेगा, बट आई थिंक बियर्स यहाँ पे आपको शायद देखने को मिल जाएं। तो ये जो थोड़ा बहुत आप क्राउड देख रहे हैं ये है शायद डे विजिटर्स हैं जो पिकनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। ये गाड़ी का टायर फूटी पंचर हो चुका है मेरे ख्याल से। There are the things I want.
लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट टू द वाटर लेवल साइट पे, और यहाँ से कुछ व्यू इस तरीके का दिख रहा है। सिंस इट्स ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो यहाँ पे कैंपिंग करना अलाउड तो डेफिनेटली नहीं होगा, बट दिस इज़ ए ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कैंपिंग साइट। जस्ट लुक एट दिस एरिया, बिकॉज हम लोग वो जो लोकेशन आप देख रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक गेट है जिसकी वजह से आपको परमिशन लेना पड़ता है, बट चूँकि ये पब्लिक के लिए खुला हुआ था तो हम लोगों ने वहाँ से वॉक करते हुए यहाँ से इस लोकेशन तक पहुँचे हैं। एंड दिस इज़ रियली ब्यूटिफुल साइट, सनसेट जस्ट वहाँ पे हो रहा है। एंड तो चलिए थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर यहाँ से वापस जाते हैं कैंपिंग साइट की तरफ। तो गाइस अब वापस जा रहे हैं कैंपिंग साइट की तरफ, बट जाने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सनसेट साइट दिखाना चाहता था। जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है वहाँ पे, एंड खूबसूरत लेक। तो गाइस मैं 18-20 सालों से बड़ौदा आ रहा हूँ, बट आज तक मैंने आउट ऑफ बड़ौदा या बड़ौदा शहर के बाहर कभी भी किसी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया, यहाँ के आसपास की जगहों को। मेरे ब्रदर लॉ ने जो मेरे को एक लोकेशन आज जो लेकर आया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और अच्छा लग रहा है। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, काफ़ी दिनों के बाद एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक्सप्लोर करने का दोबारा मौका मिल रहा है। इट्स नॉट ए टिपिकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट हाँ आप उस तरीके का एक माहौल यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यहाँ पे पता चला है कि और भी ज़्यादा लोकेशंस हैं बड़ौदा के आसपास जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो अब मैं थोड़ा सा उसको पर्सनली एक्सप्लोर करूँगा, देखता हूँ कौन कौन सी लोकेशंस हैं जिनको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ और आप लोगों को दिखा सकता हूँ। हो सकता है मैं बाइक में कुछ अपनी आइटनरीज प्लान करूँ, तो अभी तक मैंने जो कुछ लोकेशंस सोच के रखी थी उसमें अब ये बड़ौदा या गुजरात में कुछ ऐसे लोकेशंस हो सकते हैं जहाँ इनको भी मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। तो चलिए अब चलते हैं सीधे कैंप साइट पर और मिलता हूँ आपको वहीं पर। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जो इस लोकेशन पे, वो है एक थोड़ा सा जहाँ पे हम लोग कैंपिंग में रुके हैं उससे थोड़ा डिस्टेंस में है, जहाँ पे डिनर के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। इट्स ए टोटली थ्रू द जंगल जैसा कि अभी मुझे लग रहा है, बट अभी डे टाइम में कैसा रहेगा नो आइडिया, बट अभी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक व्यू दिख रहा है। तो लेट्स गो एंड सी हाउ दैट वेन्यू इज। तो आई थिंक दिस इज द लोकेशन, क्या लिखा है गुजराती में? इको टूरिज्म सेंटर धनपुरी। इको टूरिज्म सेंटर धनपुरी, तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं। आई थिंक जो आप साइड में रूम्स देख रहे हैं, कॉटेजेस देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप अपना एक स्टे कर सकते हैं। आई डोंट नो द रेट्स राइट नाउ, बट जो भी होगा मैं आपको थोड़ी डिटेल दूंगा। यहाँ लेफ्ट साइड में पार्किंग की जगह है, तो यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं और आगे चलते हैं। अभी आप लोगों को लोकेशन ज़्यादा ठीक से नहीं दिख रही है बिकॉज रात का समय है और लाइट भी ज़्यादा लिटअप नहीं है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पे ये सब स्नेक्स की जो स्पीशीज़ हैं यहाँ पे आपको देखने की मिलेंगी, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को कुछ भी ना देखने को मिले ऐसा कुछ। तो यहाँ से चला जाए जहाँ पे डिनर सर्व होता है और ये सारा पैकेज में इंक्लूड होता है, तो मैं आपको जो भी रेट्स हैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो भी रेट्स हैं यहाँ पे वो कितने का है क्या क्या पैकेज में इंक्लूड होता है। और ये जो कॉटेज का आप सेटअप देख रहे हैं, यहाँ पे आप डिनर कर सकते हैं, टेबल्स लगी हुई हैं, अलग अलग कॉटेजेस बने हुए हैं, एंड आई थिंक काफ़ी भीड़ है आगे। छोटा सा आपको एक टूर दे देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग बॉनफायर कर रहे हैं, दिस इज ए गुड हैंग आउट प्लेस विद द फैमिली, और एक ये ओपन स्पेस है, दिस इज सो ब्यूटीफुल।
अमेजिंग लोकेशन। थोड़ा सा वॉइस आपको ज़्यादा आ रही होगी बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने नोटिस किया कि मेरा माइक ख़राब हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है उसमें। तो चलिए अब वहाँ जाते हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपना डेरा डाला हुआ है, या फिर कह लीजिए कि जहाँ पे हम लोग डिनर करने वाले हैं। इट्स ए लिटिल क्लोज्ड एनवायरनमेंट क्योंकि ठंड है, थोड़ी सी एरिया काफ़ी ग्रीनरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ठंड भी अब धीरे धीरे इस रीजन में बढ़ रही है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा एक कवर्ड अप एनवायरनमेंट लिया है, या कॉटेज कह लीजिए, जिसकी वजह से हमने कॉटेज लिया है। बच्चे हैं क्योंकि ठंड वंड ना लग जाए इसके लिए। सो दिस इज हाउ इट इज। तो गाइज वी जस्ट हैड अवर डिनर। डिनर करने के बाद हम लोग वापस अपने कैंप साइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे बॉनफायर थोड़ा बहुत जो है उसका अरेंजमेंट किया है। सो यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हैं एंड हैविंग गुड टाइम टुगेदर। और बॉनफायर के बाद सीधे हम लोग अपने अपने टेंट में जाएंगे एंड हैव ए गुड नाइट स्लीप। तो मैं आपको डायरेक्टली सुबह अर्ली मॉर्निंग मिलता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस समय जो टाइम हो रहा है वो है 7:15। मैं 7:20 के आसपास का टाइम हो रहा है। मैं आई थिंक 6:30 के आसपास उठ गया था, थोड़ा सा एक मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया था। छोटा सा एक ट्रेल है, कल शाम को हम लोग इसी रास्ते से वापस आए थे, तो सोचा उसी को लेते हुए थोड़ा सा एक मॉर्निंग व्यू देख कर आएँ लेक को। तो इस एरिया को जांबूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है और जिस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग कल रुके थे वो है धनपुरी। जैसा कि कल मैंने आपको रात में भी दिखाया था जहाँ पे हम डिनर करने गए थे, तो वहाँ के गेट में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धनपुरी कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो यहाँ पर आपको रूम्स और टेंट्स अवेलेबल मिल जाएंगे ऑनलाइन। vadodaravildlife.in करके वेबसाइट है, आपको यहाँ लिंक नीचे मिल जाएगा और वहाँ से आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। तो इसमें आपको एसी नॉन एसी रूम्स में मिल जाते हैं। हम लोगों ने टेंट लिया था, एसी रूम्स के जो चार्जेस हैं वो आई थिंक 2900 है। दैट इंक्लूड्स 2 टाइम ब्रेकफास्ट लाइक इवनिंग स्नैक्स एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, और उसमें लंच और डिनर भी इंक्लूडेड है। एंड आई थिंक गाइडेड ट्रेल भी इंक्लूडेड है उस पैकेज में। और जो अगर आप नॉन एसी रूम लेते हैं तो उसका जो रेट है वो आई थिंक 1650 रुपीज़ है। तो ये डिटेल्स आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी एंड यू कैन ईजीली बुक योर रूम एज पर योर रिक्वायरमेंट। हम लोगों ने टेंट लिया था, उसका रेट थोड़ा और कम है। उसका रेट मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल के बता दूंगा बिकॉज मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, बिकॉज बुकिंग मैंने नहीं कराई थी, मेरे ब्रदर इन लॉ ने कराई थी। वो आपको स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा। इट कुड बी ए गुड वन डे ट्रिप विथ योर फैमिली। अगर आप ओवरनाइट भी रुकना चाहते हैं तो यू कैन प्लान योर ट्रैवल अकॉर्डिंगली। सो यू हैव ए लेक जैसे कि कल शाम को मैंने आपको दिखाया था एंड ब्यूटिफुल ट्रेल आउट हेयर। ये तो मैं कुछ आपको एक ही एरिया एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ, आई एम श्योर देयर मस्ट बी मैनी अराउंड तो मुझे अभी शायद नहीं पता है। आज सुबह एक मॉर्निंग वॉक पे गया था जैसे कि आपको बताया, उसके बाद आया नहा धो के काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ, पानी काफ़ी ठंडा था। बट देन बड़े दिनों के बाद एक ऐसे एनवायरनमेंट में एक अलग ही एक्सपीरियंस था ठंडे पानी से नहाने का। हाउएवर मैं अभी आया हूँ उसी जगह जहाँ हम कल रात आए थे डिनर के लिए, तो यहाँ पर चाय ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और मैं आपको कुछ लोकेशंस यहाँ पे दिखा देता हूँ जो रात में शायद इतना क्लियर नहीं था। तो यहाँ पे जो कॉटेजेस हैं, जो रूम हैं, अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा बट एटलीस्ट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप का यहाँ पे सेटअप आपको देखने को मिलेगा। तो हैव ए लुक एट इट। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं ये शायद ट्रेल के लिए जाता होगा और यहाँ पर
दो रूम का एक कॉटेजेस हैं, और इसी टाइप के आपको कॉटेजेस ऑल ओवर प्लेसेस मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ से जब अंदर जाते हैं तो आपको जो ब्रेकफास्ट एरिया है वो देखने को मिलेगा। सो दीज आर द प्लेसेस, काफ़ी फैमिलीज आप देख सकते हैं यहाँ पे आई हुई हैं। सो दिस इज़ वन गुड थिंग टू एक्सप्लोर, एंड आई विल शो यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कम तो दिस इज़ वन नेचुरल शेड जो बैम्बू ट्री से बनाया गया है। इट इज़ सो प्लांटेड कि आपको एक नेचुरल शेड मिल जाता है, विच आई रियली लाइक इट। रात में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब यहाँ से पैकअप करते हैं, और ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो, थोड़ा बहुत भी आपको कुछ भी पार्ट इसका अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे। तो जल्दी मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू।